नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। किलों की अपनी एक अद्भुत श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजपूताना गौरव की आन बान शान, वीरता और गौरव का ऐतिहासिक परिदृश्य लिए हुए, खुद को इतिहास का एक महत्वपूर्ण किस्सा समेटे हुए रणथंभौर किले की ओर है। रणथंभौर किले की बात करें तो रणथंभौर किला सवाई माधोपुर नगर के पास के रणथंभौर नेशनल पार्क में स्थित है। यह वही पार्क है जहां जयपुर के महाराजाओं के द्वारा शिकार करने का मैदान हुआ करता था और भारत को आजादी के मिलने के समय तक लोग यहां पर आकर शिकार खेलते थे। यह एक दुर्जेय किला है जो राजस्थान के केंद्र में स्थित है। ये किला चौहान साम्राज्य के हम्मीर देव की वीरता और गौरव की कहानी के लिए जाना जाता है। हम्मीर देव की वीरता और गौरव की कथा स्वयं से ही प्रस्तुत करता है। 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 37वें सेशन में रणथंभौर किले के साथ साथ राजस्थान के 5 और किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। वहीं रणथंभौर किले के निर्माण की बात करें तो चौहान शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आज तक इस शासक का नाम नहीं पता चल सका है जिसने इस किले का निर्माण कराया था। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि किले का निर्माण 944 ईस्वी के समकक्ष के समय में हुआ था। एक और कथा है जिस कथा के अनुसार 1110 ईस्वी में जयंत के साम्राज्य में इस किले के निर्माण की बात होती है। राजस्थान के आमेर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार इसका निर्माण कार्य 10वीं सदी के बीच के समकक्ष के समय में हुआ था और आगे की कुछ शताब्दियों तक लगातार इसका निर्माण अनवरत चलता रहा था। वहीं इस किले के प्राचीन नाम की तरफ बढ़े तो इसका प्राचीन नाम रण स्तंभ या रणस्तंभपुर था। प्राचीन समय में 12वीं शताब्दी में ये चौहान साम्राज्य के पृथ्वीराज प्रथम के साम्राज्य के जैन धर्म से जुड़ा हुआ माना जाता है और 12वीं सदी में रहने वाले सिद्ध सेनासुरी ने इसे जैन धर्म के पवित्र और प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक बताया था। मुगल समय में किले में मल्लीनाथ का मंदिर बनवाया गया था। वही 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के शासन करने से पहले यादव इस किले पर शासन करते थे ऐसा माना जाता है। भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ऐसा दर्शाया जाता है कि किले के प्रवेश द्वार पर पहले हरजाना लिया जाता था। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर को हथिया लिया था, लेकिन 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चौहान ने इसे पुनः हासिल कर लिया था और इसके बाद सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की सेना को बाद में सुल्तान बनबन संभालने लगे, लेकिन 1248 और 1253 में उन्हें कई किले मुहासिर करने पड़े थे, लेकिन 1259 में उन्होंने जयत्र सिंह चौहान से पुनः इस किले को हासिल कर लिया था। बात थी 1283 में शक्ति देव ही जयत्र सिंह के उत्तराधिकारी बने और उन्होंने रणथंभौर को अपना विशाल साम्राज्य पुनः स्थापित किया, जिसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 से 91 तक सभी किलों को मुहसिर करा लिया था। 1299 आते आते महाराव हम्मीर देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के रिवेल जनरल मोहम्मद शाह के पास आश्रय के लिए रुके थे और अपने साम्राज्य को सुल्तान को देने से मना कर दिया था। मेवाड़ के तहत किलों को राणा हम्मीर सिंह और राणा कुंभ ने हासिल किया था। राणा कुंभा के शासनकाल के बाद उनके उत्तराधिकारी राणा उदय सिंह को बनाया गया। इसके बाद गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1532 से 1535 तक किलों को हथिया लिया था। इसके बाद 1569 में मुगल सम्राट अकबर ने किले पर अधिकार जमा लिया था, जिसके बाद यह किला 17वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा कछवाह के हाथ में गया और भारतीय स्वतंत्रता तक जयपुर का ही एक हिस्सा बना रहा। ये किला जिस जगह पर बना है वहाँ पहले शाही लोग शिकार किया करते थे। 1949 में जयपुर को भारत के राजस्थान भाग का राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। रणथंभौर किले के अंदर 3 हिंदू मंदिर भी हैं, जिनमें एक गणेश,
एक शिव और एक रामलाल जी का मंदिर है, जिनका निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान माना जाता है। किले में जैन भगवान सुमतिनाथ, पांचवें जैन तीर्थंकर और भगवान संभवनाथ का भी मंदिर है। यह किला भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम वर्णन खुद ब खुद करता है। और किलों को, भारत के इतिहास को जानने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह किला एक अद्भुत अनुभव देने वाला है। ऐसे ही हम किसी अन्य किले की बात इस सीरीज के अपने अगले अंक में आपसे करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।